सदारत की कुर्सी पर जलवा अफरोज मुहतरम सदर साहब व मेहमाना ने खुसूसी और मेरी प्यारी दीनी माओ और बहनों, आज के इस सालाना इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है सब्र इस्तेकामत वक्त की अहम ज़रूरत। मेरी प्यारी दीनी बहनों, सब्र मोमिन की निशानी है, सब्र सिफाते हसना का मंबा व सरचश्मा है, सब्र कामयाबी व कामरानी का जीना है, सब्र बाइस रहमत व नुसरत है। सब्र कहते हैं नफ्स को घबराहट और जजा व फजा से रोके रखना, जुबा को शिकायत और आज़ा को खिलाफ मुरवत हरकत से रोके रखना। गोया के सब्र के बुनियादी मानों में इस्तेकामत, साबित कदमी और मुसलसल कोशिशें दाखिल है। मेरी दीनी बहनों, सब्र तीन तरह का होता है, الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله। इताअत पर सब्र इस तरह से है कि जो हुक्म मिले उसको बजा लाया जाए। मासियत पर सब्र इस तरह से है कि खुद को गुनाहों से रोका जाए। अच्छी और बुरी तकदीर पर सब्र करना الصبر على أقدار الله कहलाता है। दुश्मनान इस्लाम के मसालिम को बहादुरी के साथ बर्दाश्त कर लेना, दीन हक को सर बुलंद करने में हर तरह की तकलीफ़ों को सह लेना सब्र है। गुनाह की सारी लज्जतों और मनफातों को ठुकरा देना सब्र है। नेकी की ये राह में हर नुकसान और महरूमी को गवारा कर लेना सब्र है। मेरी दीनी बहनों, कुरान और हदीस में सब्र की बहुत बड़ी अहमियत आई है। जो बंदा या बंदी मसाइब व मुश्किलात पर, तकलीफ़ों पर, आजमाइशों पर सब्र कर लेते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। हम तुम्हें ज़रूर बज़रूर मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से आजमाएंगे, मिनल खौफी खौफ के ज़रिए से, वलजूई भूख के ज़रिए से, वनक़्सिम मिनल अम्वाल कभी तुम्हारे मालों में कमी करके, वल आफुस कभी तुम्हारे जानों में कमी करके, वस्समरात कभी तुम्हारे फलों में कमी करके। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं जो लोग इन तमाम मसाइब पर सब्र कर लेते हैं, वबशरिस साबिरीन, ऐ नबी आप इन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। अगर हम सीरत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सहाबियात ने अपनी ज़िंदगियों में कैसा सब्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में बेमिसाल सब्र के नमूने पेश किए। बचपन में वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हुए, 8 साल की उम्र में दादा की किफालत से महरूम हुए, लड़कपन अहले मक्का की बकरियां चराते हुए गुजरा, नबुवत का ज़माना इंतहाई इब्तला व आजमाइश में गुजरा, अपने पराए सभी ने मुखालफत की, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए जिसमें अथर पर कूड़ा फेंका गया, हालत नमाज में ऊँट की ओझड़ी डाल दी गई, आपके साथ जंगो जिदाल किया गया, आपके साथ वादा खिलाफी की गई, हत्ता के अपने महबूब शहर मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का दामन थामे रहे। हद तो ये है कि तौइफ वालों ने आपको पत्थरों से मारकर
कोई शिकायत निकली भी तो उनकी हक में दुआएं निकली। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह ऐ इलाहुल आलमीन इस कौम को हिदायत दे। फइन्नहुम ला यालमून इसलिए कि मुझे नहीं जानती। इतना ही नहीं, इसी दौरान पहाड़ों के फरिश्ते रूनुमा हुए और इन दो पहाड़ी वालियों को पीस देने की बात कही तो सब्र के पैकरे मुजस्सम का जवाब तो सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा ना करो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी नस्लों से इनकी पुश्तों से एक ऐसी कौम को निकालेगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रब की इताअत करेगी। सीरते तोयबा के औराक इस बात पर शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मरहलों में सब्र का दामन थामे रहे। अब जरा सहाबा सहाबियात का सब्र तो देखिए, शमाए रिसालत के इन परवानों ने राह हक में जो मसाइब झीले, जिन मुश्किलात से दो चार हुए, उनका हाल सुनकर जिस्म पर लर्जा तारी होता है, रूह कांप उठती है, ऐसे ऐसे मजालिम के जिनसे इंसानियत भी तड़प उठती है। मेरी दीनी बहनों, वो सब्र ही था कि हजरत जिन्नीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों आंखों की कुर्बानी देना गवारह कर लिया लेकिन इस्लाम को अपने हाथों से जाने ना दिया। बेशक वो सब्र ही था कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल इस्लाम के जुर्म में उनके जिस्म के दो टुकड़े करना भी गवारह कर लिया लेकिन इस्लाम में खलल वाक़े होने ना दिया। मेरी माँ और बहनों, वो सब्र ही था कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, उनके सीने पर गर्म पत्थरों के ढेर लगा दिए जाते, उनकी गर्दन में रस्सी डालकर मक्का के अवकाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता। इसके बावजूद भी वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु सब्र का दा पर कायम रहे और अहद अहद की सदाएं बुलंद करते रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीनी और दुनियावी मामलात में सहाबा सहाबियात जैसा सब्र करें। इन्हीं कलिमात के ज़रिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सहाबियात जैसा सब्र करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।